Hello everyone, good morning and welcome back to the 24/7. My name is Sonu and this is your daily current affairs show. So, आज के शो में अगेन हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं. यहाँ पर जो भी लोग आ चुके हैं वो सेशन को यहाँ पर लाइक कर सकते हैं. उसके बाद आज का सेशन हम शुरू करेंगे हमारे कोट के साथ में. सो, आज के सेशन मैंने आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं. इसके अलावा आपका एक और क्लास होने वाला है 4 PM क्लास, और वो कब होगा, 17th को होगा. तो वो भी आपको अटेंड करना है, जिसमें हम फर्स्ट से लेकर 10th May तक के जितने भी मैं डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन कवर करवाती हूँ, उन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड हम एक पूरा टेस्ट लेंगे, जहाँ पर देखा जाएगा कि आप कितना स्कोर करते हैं. तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जिससे आप पूरा जो पीछे का करंट अफेयर है उसको रिवाइज कर सकते हैं. तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट स्लाइड से. सो दिस इज़ द टूडेज कोट. इफ़ इट वॉज ईजी एवरी वन वुड डू इट. अगर कोई काम जो आपने लिया हुआ है, ठीक है, आपने अपना गोल सेट किया हुआ, अगर वो ईजी, इतना ही ईजी होता तो हर कोई उसको कर लेता. आपको पता है हर एक काम के लिए, हर एक फील्ड में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन क्यों है, क्योंकि वो काम मुश्किल है करना, इसलिए वहाँ पर इतना कॉम्पिटिशन है. आप चाहते हैं एग्जामिनेशन क्लियर करना, तो ऐसे लाखों बच्चे होंगे जो एक एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन उसमें से मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या होते हैं, वो बीच में ही गिव अप कर देते हैं. तो आपको उनसे कुछ डिफरेंट बनना है अपनी लाइफ में. आपको गिव अप नहीं करना है, आपको ये सोचना है कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, जिससे मैं ये जो एम है मेरा उसको पास करूँ. तो ये चीज़ें सारी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है. चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन जो आज की क्लास में आपके लिए है. विच बैंक हैज़ बिन फाइंड द 1 करोड़ रुपी बाय RBI फॉर इट्स फेलियर टू ऑटोमेट द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. ठीक है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के वजह से किस बैंक के ऊपर RBI ने 1 करोड़ का फाइन लगाया है. ABCD ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है. सो ये क्वेश्चन है आज का आपके लिए. तो यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज़ नैनीताल बैंक. आंसर. सो यहाँ पर देखिए जो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, NPA का आपसे क्या पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है. तो आप क्या बता देंगे, NPA स्टैंड फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. यानी कोई भी अगर बैंक है, NPA होता क्या है, कोई भी बैंक है उसने किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अगर कोई लोन प्रोवाइड किया. अब देखो, बैंक अगर लोन प्रोवाइड करता है तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो जो लोन का अमाउंट है वो उनको फ्यूचर में वापस रिटर्न हो. लेकिन कई बार क्या हो जाता है, लोन जो वो प्रोवाइड करते हैं उसका अमाउंट उनके पास वापस नहीं आ पाता, वो क्या बन जाता है, एक डिफ़ॉल्टर लोन बन जाता है. ओके, और ऐसे पर्सन को डिफ़ॉल्टर्स भी बोला जाता है. तो वो जो लोन होते हैं उनको क्या बोला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है, क्योंकि उनकी वजह से बैंक को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है. ठीक है, सो वो कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते, ऐसे लोन को हम NPA बोलते हैं. अब यहाँ पर क्या बोला जाता है, 90 डेज तक अगर कोई भी ऐसा लोन है तो वो क्या बन जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा. अगर उसका ना आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ रहा है और ना ही आपके पास क्या वापस आ रहा है, उसका इंटरेस्ट वापस आ रहा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलेंगे. अब यहाँ पर आपको पता हो, जिन बैंक्स का NPA इंक्रीज़ हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इंक्रीज़ हो जाता है, उसमें क्या करता है RBI इस केस में क्या करेगा, वहाँ पर उनके ऊपर PCA नॉर्म्स लगा देता है. अब यहाँ पर काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, व्हाट इज़ PCA. सो ऐसे बैंक्स पे RBI क्या लगाता है, PCA नॉर्म्स लगा देता है, दैट इज़ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन. प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, प्रॉम्प्ट करेक्ट एक्शन जो लगाया जाता है किसी भी पर्टिकुलर बैंक के ऊपर लगाया जाता है, जिसका NPA लेवल जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है, उसके ऊपर PCA नॉर्म लगा दिया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, ना तो बैंक लोन प्रोवाइड कर सकता है उस केस में, ना ही वो नए कस्टमर्स, नए रिक्रूट्स कर सकता है, नए कस्टमर्स भी नहीं ले सकता है. तो ऐसे कुछ वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन रखे जाते हैं उस पर्टिकुलर बैंक के लिए, इसको PCA बोला जाता है. आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी. यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नैनीताल बैंक, तो आप क्या बता देंगे, इट इज़ इन नैनीताल, नैनीताल में ही हेडक्वार्टर है इसका, वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है. सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. विच बैंक अनाउंस लॉन्च ऑफ को ब्रांडेड मल्टी करेंसी कार्ड विद ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग पोर्टल गो आई बीबो के साथ मिलकर. यहाँ पर कौन एक मल्टी करेंसी कार्ड लॉन्च करने वाला है, ABCD ऑप्शन में से. सो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू. यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ICICI बैंक है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. आपको ये यहाँ पर ये याद रख लेना. अगेन, हु इज़ द MD & CEO ऑफ ICICI बैंक,
ICICI बैंक जो है उसके MD एंड CEO कौन है? संदीप बख्शी हैं. ओके, सो संदीप बख्शी इज द MD एंड CEO ऑफ व्हाट? ICICI बैंक. ये चीज हमें यहां पर पता होनी चाहिए थी. देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर फीमेल ICC मैच रेफरी? ठीक है, तो जो ICC मैच रेफरी है, फर्स्ट फीमेल बनी है, वो कहाँ से हैं? इंडिया से हैं. और उनका क्या नाम है, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. तो ABCD ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज GS लक्ष्मी आंसर. सो GS लक्ष्मी इज द करेक्ट आंसर हियर. इनका नाम जो है आपको यहाँ पर याद रख लेना है. डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन आने वाले एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. WTO दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रल मीटिंग कॉन्क्लूडेड इन न्यू दिल्ली. आपको पता है जो मिनिस्ट्रल मीटिंग थी डेवलपिंग कंट्रीज की, वो कहाँ पर शुरू हुई थी? न्यू दिल्ली में ही शुरू हुई थी. और उसका कंक्लूजन भी कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है. अगेन यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके डायरेक्टर जनरल कौन है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है. तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रोबर्टो एजिवेडो. ओके, सो रोबर्टो एजिवेडो इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आंसर. देखिए यहाँ पर जो हमारा हेडक्वार्टर है इसका WTO का, वो कहाँ पर है? जेनेवा में है. ये भी बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है. तो ये वाली चीज़ भी आपको याद रखनी है. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो एंड्री रशेल नेम्ड मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर एट द 2019 IPL टूर्नामेंट. ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री, विच टीम? ओके, सबसे यहाँ पर कंट्री नहीं पूछा जा, आपसे टीम पूछा जा रहा है. उनको क्या बोला गया है इस बार के IPL में मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर बोला गया है, तो वो कौन सी टीम से यहाँ पर बिलोंग करते हैं? ABCD ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर है? देखो अब की बार IPL जो टूर्नामेंट हुए थे उसमें जीती कौन सी टीम है? मुंबई इंडियंस जीती है. इसके अलावा ये जो बिलोंग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज़ कोलकाता नाइट राइडर्स. ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रख लेनी है. देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन. विलिया ऑफ हिंद इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली, वॉट इज़ इट? ये आपसे पूछा जा रहा है. ये जो है एक टाइप का क्या है, कोई मूवी है, अवार्ड है, मिलिटेंट प्रोविंस है, या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है? ABCD ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर है? ये वाला वर्ड अभी काफ़ी न्यूज़ में चला है तो ये आपको पता होना चाहिए. सो इट वॉज़ एन अग्रीमेंट विद इस्लामिक स्टेट. इस्लामिक स्टेट जो है उसने डिक्लेयर किया है कि हमने अपना एक प्रोविंस सेटअप कर लिया है कहाँ पर? इंडिया में. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज मिलिटेंट प्रोविंस. तो ये टाइप का क्या है, एक मिलिटेंट प्रोविंस है. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. द सुप्रीम कोर्ट वैलिडेटेड विच स्टेट गवर्नमेंट लॉ फॉर रिजर्वेशन इन प्रोमोशन एंड सीनियोरिटी टू SC and ST एम्प्लॉयज. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने किस स्टेट गवर्नमेंट के इस लॉ को वैलिडेट कर दिया है? ABCD ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कर्नाटका. तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये एक ऐसा लॉ लेकर आई थी जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी वैलिडेट कर दिया है आंसर. सो जो कर्नाटका है उसके अगर आपसे चीफ मिनिस्टर पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे? HD कुमारस्वामी जो हैं, HD कुमारस्वामी जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के? कर्नाटका के. एंड द गवर्नर इज वजूभाई वाला. सो ये चीज़ इस क्वेश्चन से आपको यहाँ पर याद रख लेनी थी. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेम द US नेवी चीफ हु इज़ ऑन ए 3-day टूर टू इंडिया. जो इंडिया में 3 दिन के टूर पर आ रहे हैं उन नेवी चीफ का आपको नाम बताना है जो कहाँ के नेवी चीफ हैं, US के नेवी चीफ हैं. सो यहाँ पर ABCD ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? तो अगेन यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? माइकल रिचर्डसन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. इंडिया के जो नेवी चीफ हैं वो कौन है? चीफ ऑफ नेवी स्टाफ इंडिया में कौन है? सुनील लांबा हैं. और अगेन मैं आपको बता चुकी हूँ उनकी जगह अभी जो बनने वाले हैं नेक्स्ट वो कौन होंगे? करमबीर सिंह होंगे. ये भी यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए चीज़. ठीक है, तो दोनों का ही नाम आपको यहाँ पर याद रख लेना है. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर था. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारत पे. भारत पे जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बन गए हैं? ABCD ऑप्शन में से. सो वट विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ये आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताना है. अगेन यहाँ पर जब हमारे 10 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको लास्ट में कमेंट करना है कि इन 10 क्वेश्चन में आप यहाँ पर कितने क्वेश्चन ठीक कर पाए थे.
सो यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज सलमान खान. सो सलमान खान जो है उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कहाँ का, भारत पे का. सो भारत पे क्या है, एक मर्चेंट और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारा गूगल पे होता है, पेटीएम होता है, ऐसे ही अभी एक जो नया है वो क्या है, भारत पे है. ये चीज़ भी यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए. ये जो मोस्टली किसके लिए है, मर्चेंट्स के लिए है. इसको मोस्टली किसके लिए यूज़ किया जाना है, मर्चेंट्स के लिए यूज़ किया जाना है. सो दिस वॉज द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस. और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल को चेयर द कंसल्टिव GFDRR, दैट इज़ ग्रुप ऑफ ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी. ये यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री इसको को चेयर करने वाली है ए बी सी डी ऑप्शन में से. तो देखो ये जो वहाँ पर ये जो मीटिंग होने वाली है होगी कहाँ पर, आपको पहले इसका वेन्यू बताना है, अगेन आपको बताना है कि इसको कौन को चेयर करने वाली हैं. सो यहाँ पर ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है. देखो इसका जो वेन्यू रहने वाला है वो तो क्या रहेगा, जेनेवा रहेगा. ओके सो जेनेवा विल बी द वेन्यू, लेकिन इसको जो को चेयर करने वाली है वो कौन सी कंट्री है, इंडिया है. सो इंडिया विल बी द कंट्री जो इसको को चेयर करेगी. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एयरटेल हैज़ टाइड अप विद विच इंश्योरेंस कंपनी. आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय एयरटेल ने कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक टाई अप कर लिया है. तो ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, अभी रिसेंटली भारतीय एयरटेल ने जो टाई अप किया है वो किसके साथ किया है, एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप कर लिया है. ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. अब यहाँ पर जो हमें पता होना चाहिए वो हमें कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए विच इज़ रिलेटेड टू द एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस. सो हु इज़ द एम डी एंड सी ऑफ एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस, ये आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है. तो विभा पदलकर जो है वो क्या है, एम डी एंड सी ओ हैं कहाँ की, एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस की. सर उठा के जियो इज़ द टैगलाइन ऑफ एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, मुंबई में है. सो मुंबई में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है. ये भी चीज़ यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए. सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच डिजिटल पेमेंट कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद सिटी बैंक टू लॉन्च फर्स्ट क्रेडिट कार्ड. किस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म ने, जैसे मैंने आपको बताया था भारत पे है जैसे, ऐसे ही किसी कंपनी ने एक अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है सिटी बैंक के साथ में मिलकर. तो उस कंपनी का क्या नाम है, यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो सकता है ए बी सी डी ऑप्शन में से. देखिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज़ पेटीएम. तो आपको इससे क्या याद रख लेना है, आपको पेटीएम का नाम यहाँ पर याद रखना है. पेटीएम के आपसे अगर फाउंडर पूछे जाएंगे तो आप क्या बता देंगे, यहाँ पर विजय शेखर शर्मा जो हैं वो क्या हैं, फाउंडर हैं. किसके फाउंडर हैं, पेटीएम के. सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगेन आपसे एक चीज़ पूछी जा सकती है कि हु इज़ द एम डी एंड सी ओ ऑफ पेटीएम. तो पेटीएम के एम डी सी ओ अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, सतीश कुमार शर्मा. सतीश कुमार शर्मा जो हैं वो क्या हैं, एमडी हैं. किसके एमडी हैं, पेटीएम के एमडी हैं. ये चीज़ें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए थी. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर द बुक पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़. आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ जो बुक है उसको किसने ऑथर किया है. ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है. देखो ऐसे ही क्वेश्चन बुक्स के ऊपर, बुक्स एंड ऑथर के ऊपर मैं आपको स्टैटिक अवेयरनेस क्लास में कवर करवा चुकी हूँ. तो अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखा है तो आप उस क्लास को भी देख सकते हैं. यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज़ सबा नकवी. सबा नकवी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है. अब यहाँ पर स्लाइड हटा दीजिए. अब यहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आज आपके लिए, उसका फुल फॉर्म जो है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. इट इज़ ई एफ टी जो है उसमें जो ई है उसका क्या मतलब है, अगेन आप बता सकते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है. सो इट इज़ रिलेटेड टू द बैंकिंग. ये बैंकिंग अवेयरनेस का एक क्वेश्चन है जो आपको बाद में क्लास ख़त्म हो जाने के बाद कमेंट सेक्शन में बताना है. और इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये चीज़ है. सो आई होप आपको सेशन आज का अच्छा लगा होगा. अगर आपको सारी चीज़ें पसंद आई हैं, अच्छा सेशन लगा है, तो आप यहाँ पर सेशन को लाइक भी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे.